हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे गाजर मटर की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, अदरक, 2 प्याज, 2 टमाटर, 4 से 5 गाजर, 1 कटोरी के करीब मटर और थोड़ी सी हरी धनिया ली आएँ। चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में डाल देंगे 4 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डालकर अच्छे से कर लेंगे मिक्स और उसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हल्की सुनहरी कर लेंगे। उसके बाद इसमें कटी हुई गाजर डाल देंगे। गाजर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मटर डाल देंगे। मटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गाजर मटर को 2 मिनट लो फ्लेम पर तेल में भून लेंगे। गाजर मटर को भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे मसाले। मसाले में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद धनिया पाउडर डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और गरम मसाला डाल देंगे। मसालों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट मसालों को पका लेंगे। मसाले पकने के बाद इसमें टमाटर डाल देंगे, 2 कटी हुई टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्ज़ी को। मसालों को जितने अच्छे से भुनेंगे उतनी सब्ज़ी हमारी टेस्टी बनेगी। अब इसमें डाल देंगे पानी 1/2 कप के करीब। धीमी आंच पर सब्ज़ी को पका लेंगे 10 मिनट के करीब। ढक्कन लगाकर पकाएंगे सब्ज़ी को। अब 10 मिनट हो गई है और सब्ज़ी हमारी पक गई है। ये देखिए हमारी गाजर मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे हरी धनिया को सब्ज़ी में। गाजर मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।